हमारे देश का खाना दुनिया भर में अपने बेहतरीन स्वाद और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की फूड हैबिट्स में बदलाव देखने में आ रहा है और इसकी वजह है लोगों का अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा ही सजग होना। बहुत से लोग हैं जो मांसाहार छोड़कर अब शाकाहार की तरफ बढ़े हैं, लेकिन उससे भी एक कदम और आगे अब लोग वीगन हो रहे हैं। वीगन का मतलब प्लांट बेस्ड फूड है, जिसमें मिल्क और मिल्क से बने फूड और प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। इंदौर में ऐसी ही एक वीगन फैमिली है जिसने अपनी बिटिया की शादी का पूरा मेन्यू ही वीगन फूड पर बेस्ड बनाया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं गिरीश शाह और उनके परिवार से, जिनकी बिटिया क्षमा की शादी इन दिनों शहर भर में चर्चा का विषय बनी है। आप किसी के घर में जाते हैं तो मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति से चाय पूछी जाती है, लेकिन इंदौर का जैन परिवार शायद तक यहाँ पर जब भी कोई मेहमान आता होगा तो उसे वीगन चाय दी जाती है और वो शायद तक वह कंफ्यूज हो जाता है कि वह चाय मिलेगी लेकिन कौन से दूध की मिलेगी। अपनी बेटी की वह शादी करने जा रहे हैं, क्षमा नाम है उनका, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि यदि वह अपने ससुराल जाएगी तो किस तरह से अपने ससुराल वाले के लिए यह खुशी लेके जाएंगी कि वीगन है वह। आप जाएंगे और सास ने बोला या ससुराल वालों ने बोला कि मुझे एक कप चाय चाहिए, तब आपको लगेगा थोड़ा सा कि मैं क्या करूं? देखिए, मैं तो वीगन चाय ही पीती हूँ और मेरी सास तो ऑलरेडी एक्साइटेड है, तो मुझसे बोल चुके हैं कि कब तुम आओगी और हमें सिखाओगी कैसे दूध बनता है और कैसा टेस्ट होता है, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं उन्हें भी वीगन चाय ही पिलाऊँ। आईटी सेक्टर में है आप, वहाँ जब हम जाते हैं, आप TCS में है, आप जॉब कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी है तो वहाँ तो वीगन नहीं मिलता होगा, तो वहाँ कैसे क्या इस पूरे अपने जो जॉब अवर्स रहती है उनको कैसे क्या सेट करते हैं? देखिए, वीगन खाना कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, अर्थ पे रहते हैं हम, यहीं से प्लांट बेस्ड फूड होता है वीगन लाइफस्टाइल में, ठीक है, जो पेड़ पौधे उगते हैं सब जगह होते हैं, ठीक है, सब्जी रोटी दाल चावल ये सब वीगन ही होता है, तो उसमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती, कहीं भी चले जाए वीगन खाना इजीली अवेलेबल होता है। फ्रेंड सर्कल भी कभी अगर आते होंगे घर पे तो एक बार बोलते होंगे कैसे कंसेप्ट आया, या फादर मदर या आपकी किचन में जाके देखते होंगे कि दूध और दही नहीं है, तो फिर वो कैसे क्या आपसे बात करते हैं और आपसे क्या कुछ क्वेरी करते होंगे इस चीज के लिए वीगन के पीछे? थोड़ा सा अलग लगता होगा, किसी ने कभी आपसे कुछ करा हो ऐसे इस प्रकार से? बिल्कुल, क्वेरीज तो रहती है, लेकिन हमारे पास सब चीज के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, हम उनको सर्व करते हैं। हम लोग दिवाली में वीगन दही बड़ा सर्व किया था, आइसक्रीम बनाई थी, सारी मिठाइयाँ सर्व होती है, तो फ्रेंड्स ने मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, सब लोग ट्राई करते हैं, सबको पसंद है वीगन खाना। बिल्कुल, वह व्यक्ति जिसने इसकी शुरुआत करी हम उनसे मुखातिब होते हैं, क्योंकि इस तरह से अलग से कल्चर को चेंज करना अपने पूरे परिवार को, और बेटी की शादी है और मेहमान नवाजी में कुछ कमी ना रह जाए, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, बेटी की शादी है, एक पिता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक फर्ज भी होता है, लेकिन आप वीगन पूरा मेन्यू बनाया है आपने, तो क्या कभी कुछ आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपसे मांग लिया कि आपने वीगन डिशेस क्यों रखी, या फिर इसमें कुछ मेहमानों ने मांग लिया हो कि नहीं हमें तो दूध की चाय चाहिए, तब क्या कहा आपने? देखिए, मैं तो एथिकली वीगन हूँ, तो मैं अब उस स्टेज पे हूँ 10 साल से, मैं जब लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये उतना ही गलत है जितना आप समझते थे मांस या अंडा गलत है, तो मेरे लिए वो उस श्रेणी में आ जाता है वो लगभग, तो मैं तो उनको बोल देता हूँ भाई ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपको करना है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, मैंने कहीं जंगल में कुछ आयोजन किया नहीं है, शहर में बहुत सारा ऑप्शन है, आप जहाँ चाहें वो अपना विकल्प चुन लें। सर, एकदम वीगन होने की कैसे शुरुआत हुई, और क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप गाड़ी लेके शहर भर में घूमते हैं तो कुछ ना कुछ एक आध व्यक्ति आपसे पूछता होगा, आके अट्रैक्ट होता होगा आपकी गाड़ी की ओर कि क्या है वीगन, तो आप जब दूध की बात कहते होंगे, क्योंकि दूध ऐसा है कि हर घर में जाता है, हर व्यक्ति हर बच्चे के लिए दूध ऐसा शब्द है वो शायद तक वह हमेशा से सुनता है, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन बताते होंगे? बिल्कुल, मैं पहला एक तो थोड़ा सा अगर समय होता है तो उनसे थोड़ा सा लंबा बात करता हूँ कि देखिए दूध जो है दूसरे की माँ का दूध हमारी जरूरत नहीं है, हमारी आदत है, तो जब आदत रहती है कोई चीज तो आदत बदली जा सकती, जरूरत नहीं बदली जा सकती, तो अगर समय कम रहता तो उनको बता देता हूँ कि भैया आप जो है सोया पीनट यानी मूंगफली का या नारियल का या फिर और अच्छा चाहो तो बादाम का दूध बना सकते हो, घर पे बहुत आसानी से बन जाता है और ज्यादा कीमत भी नहीं लगती है उसकी।
बिल्कुल, इस शादी के लिए दुल्हन की माँ से बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शायद तक कई तैयारियां की होंगी, लेकिन इस तैयारियों के लिए आपको जब आप शादी के बाद मिले थे तो कितने समय बाद आप वीगन हो पाए, और इनका जो ये सफर है वीगन का, इसमें आपने किस तरह से साथ दिया है? जी, मैं जब इन्होंने ये वीगन बने और इन्होंने मुझे बताया तो थोड़ा मैं मतलब अपने आप को उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब फिर मुझे एथिकली पता चला कि वास्तव में ये गलत है, पशुओं के प्रति हिंसा है, हमारे टेस्ट के लिए जो है हम इन मूक प्राणियों को सजा देते हैं और उनसे बने हुए पदार्थों का प्रयोग करते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, तो फिर ये मन में मतलब मेरे खुद ही ऐसी प्रेरणा जागृत हुई अपने आप ही। इन्होंने तो मुझे बताया ही था, लेकिन मैं खुद ही अपने आप इस तरह से तैयार हुई कि मुझे अब इन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, वीगन फूड लेना चाहिए। बिल्कुल, यह जैन परिवार था और जो वीगन का इनका यह मिशन है, इसी तरह चलता रहे और शाकाहार की ओर आप भी आकर्षित हैं। आपको बताते चलें कि बैंक से रिटायर गिरीश शाह पिछले 10 सालों से गो वीगन की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें आज इंदौर के 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों से अपील की जा रही है कि वे चमड़े, सिल्क और ऊन से बने हुए कपड़े ना पहनकर आए। विजय शाह अब अपनी बेटी की शादी वीगन थीम पर आयोजित कर रहे हैं, तो इसे लेकर उनके रिश्तेदार और उनके करीबी भी बेहद उत्साहित हैं। कुल जमा इंदौर हमेशा से ही अपने नवाचारों को लेकर मील के पत्थर स्थापित करता आया है, और जाहिर है कि जिस तरह गिरीश शाह ने वीगन थीम पर अपनी बिटिया की शादी करने का फैसला किया है, उसके बाद ये ट्रेंड बनने वाला है, कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।